नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम अपने पुराने स्टोर में नई वीडियो लेके आ चुके हैं। यहाँ पे डीलिंक की कैट 6 वायर आज हम ले आए हैं और जैसा कि आप सबको मालूम है आज हम इसका लॉन्ग वायर पे टेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास डीलिंक का, मर्क्सिस का और टिपलिंक का और डीलिंक के कुछ राउटर मॉडर्म सब है और कैट 6 जो है ओरिजिनल कॉपर की वायर है हमारे पास 305 मीटर का, तो हम इसमें 150 मीटर वायर टेस्ट करने वाले हैं। अभी आखिर चलती है कि नहीं चलती, 120, 130, 120, 130 इस तरह से करेंगे और आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे भी स्पीड ड्रॉप होती है या नहीं होती है, कितने पे होती है, कैसे यूज कर सकते हैं ज्यादा लॉन्ग वायर। तो ज्यादा देर ना करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डीलिंग की कैट 6 वायर होल जो है 305 मीटर है जो की ओरिजिनल है। लगभग हमने जो है ओएसटी इलेक्ट्रॉनिक्स से मंगाई है, किसी को पता होगा ओएसटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डीलिंग का ऑथराइज है, तो इस तरह से कुछ है। कुछ मार्केट में डुप्लीकेट वायर भी मिलती है तो उससे और इसका वजन का फर्क पता लग जाता है। जैसे कि ये वायर जो है काफी ही बहुत ज्यादा भारी है, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी है। और तो जो इसका वेट है आप यहाँ पे देख रहे हैं भी कितना है। तो दोस्तों अब जो है वायर हमने जो है लगभग पहले 150 मीटर अलग करनी है और फिर 150 मीटर पे टेस्ट करना है। तो कभी कभी मैं सोच रहा हूँ 150 मीटर से ऊपर चलेगी तो 160 भी चल सकती है, 180 भी चल सकती है, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों हमें आइडिया है लगभग 150 से 160 मीटर तक जो है चल सकती है, तो हम सीधे ही जो है पहले 305 को सीधे जो है 160 मीटर कम कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पांच मीटर जो है यहाँ पे रीडिंग है हमारे पास, तो 305 मीटर वायर है और पूरा रोल हमारे पास है, तो बहुत टाइम लगने वाला है दोस्तों, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। अब फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर, तो 165 मीटर हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे वायर का किनारा हमारे को चाहिए। तो दोस्तों लाइट जल पड़ी है, वीडियो को कर दो लाइक फटाफट, तभी हम टेस्ट कराएंगे वीडियो का। 5, 4, 3, 2, 1 गो। अब हम स्पीड टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी लाइन केबल यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी लाइन केबल है जिसे हम यहाँ पे कैटेगरी 6 वाला जो राउटर है, मतलब 1 Gbps वाला है, इसे जो है हम यहाँ पे इसका वाया इंटरनेट जो है यहाँ पे यूज करके दिखाएंगे आपको। तो आखिर हमने सेटअप किया क्या है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, थोड़ा सा तामझाम हो गया, थोड़ा माफी चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे डीलिंक लगा है, ठीक है, डीलिंक का स्विच है जो कि 100 Mbps है, ये 1 Gbps वाला है स्विच, तो ये है हमारा 1 Gbps वाला का वैन। इसका इंटरनेट जो है हम मोबाइल में चेक कर लेंगे, यानी कि जो नीचे से हमारा इंटरनेट है वो यहाँ पे लग गई ये वाली तार, और यहाँ से एक तार आ रही है 100 Mbps यहाँ पे, जो हमारी ये वाली तार आ रही है, यानी कि 100 Mbps हम यूज करके दिखा देते हैं फिलहाल आपको। तो जिसे हम जो है यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे जो 1 Gbps का इंटरनेट है वो यहाँ पे कितना पहुंचा है और HL में कितना है वो भी चेक कर लेंगे। तो फिलहाल जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी सारा सेटअप रेडी है, नीचे से तार आई वो लगी 1 Gbps वाले स्विच में और 1 Gbps वाली जो वायर है वो 100 Mbps वाले डीलिंग में 160 मीटर जो है हमने यूज कर दी है और उसको जो है फिर आगे इंटरनेट के थ्रू हम अपने मोबाइल पे चलाने वाले हैं। तो वाईफाई जो है यहाँ पे मोबाइल का ऑन कर देते हैं, तो मेरे मोबाइल में वाईफाई ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे Xiaomi का इंटरनेट वाले पोर्ट पे हमने लाइन लगा दी है, तो अपने आप ये वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं अभी हमारे पास 160 मीटर में जो हमारा 100 Mbps का इंटरनेट है वो कितना हम यूज कर पाते हैं। अरे बाप रे, मैं तो यकीन करना मतलब मेरे को मुश्किल हो रहा है, अभी हमने 160 मीटर तार काटी है और मेरे को बहुत दुख की बात है, अभी 160 मीटर तार काट दी, और अगर हमने 175 या 180 मीटर काटी होती तो वो भी चल पड़नी थी। ये तो बहुत ही बड़ा चंबा हो गया यार भाई, अब ये तार लंबी कैसे करें, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। 160 मीटर लैन केबल कैट 6 जो है बढ़िया तरीके से मर्क्सिस और डीलिंग के स्विच में बढ़िया तरीके से चल रही है और बाकी लाजवाब है मतलब। तो अगर यही वायर जो है डीलिंग को बीच में से हटा देते हैं जो कि 100 Mbps को थोड़ा बाउंड कर रहा है,
और Xiaomi में डायरेक्ट लगा देते हैं, तो क्या ये 1 GPS की स्पीड जो है नीचे से जो आ रही है Maxis में, तो क्या हम उसे यूज कर पाएंगे? Maxis में 160 मीटर की वायर लगी है और दूसरा सिरा 160 मीटर का MI के राउटर में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितनी स्पीड आ पाएगी और 1 GPS हम यूज कर पाएंगे, कितना ड्रॉप होता है इंटरनेट, वो देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे 74 MBPS और 91 MBPS आया था, क्योंकि बाउंड हो जाता है, मतलब 100 MBPS में ये रोक देता है इसे। तो यहाँ पे अब हम जो है 1 GPS डायरेक्ट Maxis वाले से 160 मीटर तार जो है MI के राउटर में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारा लगभग 110-120 MBPS जो है नीचे स्पीड आती है, लेकिन वो भी 70 MBPS तक जो है चला पा रहे हैं, यानी कि 25% जो है स्पीड जो है कम कर दी है इसने, लेकिन बहुत अच्छी बात है अभी 160 मीटर तार जो है हमारी चल पा रही है। और जो नोचे 200 MBPS की स्पीड आती है वो हमारे पास यहाँ पे 80-90 MBPS आ रही है, मतलब ये 100 MBPS ही यूज कर पा रहा है, क्योंकि जब इतनी दूर लंबी वायर पहुंच जाती है तो 1 GPS नहीं यूज कर पाएगा, शायद ऐसी बात हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही हैरानी वाली बात है, अभी हमारे पास 160 मीटर तार जो है काम कर गई है, और हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, 160 मीटर से ज्यादा अगर रखी होती तो वो भी चल पड़नी थी, बहुत ही लाजवाब हो गया हमारा काम आज का। तो पूरा सेटअप एक बार दिखा दो भाई, क्या क्या है, किस तरह से है, क्योंकि थोड़ा मतलब कोई कंफ्यूजन आ रहा है। देखो ये अब हमारे पास, देखो टेबल पे क्या है, ये वायर आई नीचे से, इसमें आया इंटरनेट, और इसमें जब इंटरनेट आया यहाँ इस वायर से, ठीक है, और इस वायर से जो है रोल के थ्रू जो है फिर यहाँ से इस स्विच में चलेगा, मतलब MI के राउटर में। तो ये देखो जो है स्पीड यहाँ पे इतनी आ रही है, मतलब ड्रॉप तो है लेकिन फिर भी 160 मीटर तार जो है काम कर पा रही है, बहुत ही लाजवाब जो है आज का प्रैक्टिकल हुआ है हमारा। अब जैसे जैसे जो हम इसमें कम करते रहेंगे वायर की दूरी, तो उस हिसाब से स्पीड भी मेंटेन हो पाएगी, लेकिन 160 मीटर जो है लैन केबल चलना बहुत बड़ी बात, और किसी ने 70-80 MBPS तक शेयर करना है तो कर सकते हैं, मतलब शेयर इतनी दूर भी 160 मीटर वायर पे भी। अब ये 1 GPS वाला का था, इसकी जगह में अगर 100 MBPS लगा के रखते हैं, मतलब और दोनों वायर इसमें लगाते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है, जो नीचे से आई है वो भी और जो यहाँ पे इसमें जा रही है वो भी, तो इसकी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। है तो ये 1 GPS लेकिन परफॉर्मेंस इसकी 70-72 है, और इसकी परफॉर्मेंस 100 MBPS पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती, क्योंकि ये डीलिंग है, डीलिंग की वायर है, वो देखते हैं कितनी हो पाती है। और जो डायरेक्ट वायर नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कितनी स्पीड आती है। तो फर्क है, 1 GPS में थोड़ी स्पीड ज्यादा थी, 70-80 MBPS थी, इसमें 60 MBPS स्पीड आ रही है, तो इतना जो है थोड़ा सा फर्क है इसमें। लेकिन अपलोड की बात की जाए तो इसमें अपलोड ज्यादा है, मतलब इसकी पावर जो है भेजने की पावर ज्यादा है, मतलब इसमें ये खास बात है, मतलब इसमें Maxis में इतनी पावर नहीं है भेजने की, लेकिन इसमें भेजने की पावर भी है, तो वो जो डीलिंक प्लस डीलिंग जो अगर स्विच लगाते हैं ना दोनों आपस में, तो वहां से भेजने की पावर ज्यादा होनी थी, तो यहाँ पे भी 100 MBPS पूरा यूज हो जाना था, मतलब डीलिंक में पावर है, मतलब बहुत ज्यादा पावर है। और अगर मैं डायरेक्ट वाली वायर जो है यहाँ पे लगाता हूँ, तो एक्चुअल में स्पीड हमारी है कितनी, ठीक है, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। एक्चुअल में हमारी इंटरनेट की स्पीड कितनी है वो देख लियो, यहाँ पे जिससे से डायरेक्ट वायर आई है वो मैंने लगा दी अब, और आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट करा रहा हूँ। एक्चुअल में स्पीड ये है, वो भाई साहब 200 MBPS की स्पीड है, तो ये दिखा रहा है सिर्फ 70-80 MBPS, तो इसका मतलब है ये तो 50% से भी कम है, मतलब 30-40% ही स्पीड दिखा रहा है, मतलब। तो ये रहा सच, 236 MBPS स्पीड को ये स्विच जो है इतना दिखा रहा है। देखो यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ, इसको बोलते हैं डीलिंग की पावर, 230 MBPS को ये 70 MBPS बता रहा है, मतलब 30% जो है स्पीड बता रहा है, मतलब। लेकिन कितनी कैपेसिटी है इस वायर की वो तो दिखा रहा है ना, 70 MBPS की पावर है इसमें, भेजने की पावर भी पूरी है, मतलब अपलोड स्पीड देखो कितनी जबरदस्त। और फिर से लास्ट टाइम जो है हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको, Maxis में जो लाइट पिछली तरफ चलती है, मैं इस तरफ जो है इसका मुंह कर देता हूँ। अब इसमें 1 GPS आ रही है और 1 GPS ही यहाँ तक पहुँच रही है, वो भाई साहब ये तो पूरा आ गया यूज, इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ। 160 मीटर में जो है 200-250 MBPS चल रही है भाई डीलिंक, ये तो तबाही होगी भाई, तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा। 250 MBPS Cat6 वायर जो है पूरा शेयर कर पा रही है 160 मीटर वायर पे, ये देखो यहाँ पे 146 लिखा है, ये वायर देखो सिर्फ स्विच में लगी है, 146 मीटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें और कोई तारें लगी है, और ये वाली वायर लगी है यहाँ पे जिसमें यहाँ पे 305 मीटर लिखा हुआ है, देखो ये वायर यहाँ पे इस गुच्छे पे है, और मैं गुच्छा जो है आपको उठा के दिखाता हूँ एक बार प्रैक्टिकली, मतलब रियलिटी है, मतलब क्या है सच, ये देखो देख लो ध्यान से देख लो बैक कैमरा करके भी, एक वायर देखो कहाँ लगी है, ठीक है, ये पूरा गुच्छा है, यहाँ से कोई वायर नहीं आ रही, एक वायर यहाँ जा रही है, एक वायर यहाँ जा रही है, और ये दोनों स्विच में लगी हुई है, और मेरे को यकीन नहीं आ रहा भाई 250 MBPS जो है हम यूज कर पा रहे हैं, कहाँ हुआ सिग्नल ड्रॉप, फिर कहाँ हुआ स्पीड ड्रॉप, मतलब बिल्कुल भी स्पीड ड्रॉप नहीं है, और बहुत ही अमेजिंग जो है आज का प्रैक्टिकल। अभी पूरा प्रैक्टिकल क्या आप चेक रहे, इसमें काटें क्या, इसको बढ़ाने का सोचते हैं, आप कुछ करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। तो हमने 7500 रुपए का रोल लिया, ठीक है, उसको जो है काटा, और हमें दुख से कहना पड़ रहा है भी हमने 200 मीटर क्यों नहीं यूज की, 160 मीटर कर दी
दी यूज, और 160 मीटर जो है प्रॉपरली चल पा रही है बिना किसी रुकावट के, और बीच में हमारा मर्क्सिस का राउटर है। तो दोस्तों रात बहुत हो चुकी है, आपको मतलब आपको नजर भी अच्छा नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लाइटनिंग अभी होनी है। तो फिलहाल हमने 160 मीटर पे ये पार्ट बना दिया है और प्रॉपरली बिना किसी रुकावट के मर्क्सिस और डीलिंग के राउटर जो है उसे प्रॉपरली चला पा रहे हैं, और डीलिंग उसको लगभग 70% चला रहे हैं, यानी कि 100 Mbps स्पीड आ रही है ना उसमें, तो 70-80 तक वो चला रहा है, लेकिन अपलोडिंग पूरी हो पा रही है। और मर्क्सिस का राउटर है वो थोड़ी देर में उसको पूरा 100% चला पा रहा है, बीच बीच में अगर ड्रॉप भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चला तो पा रहा है 160 मीटर, यही बहुत बड़ी बात है। और ये वायर अगर आपने खरीदी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। फ्यूचर में अब 200 मीटर पे हम डीलिंग आउटडोर वायर को टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रोल पड़ा हुआ है, और फिलहाल ये वाला रोल तो हमने खराब कर दिया 160 मीटर पे काट के, बहुत बड़ी गलती की। तो आप भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, अगर आपको लंबी वायर चलानी तो 200 मीटर या 250 मीटर 305 मीटर, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।